तो आज हम देखते हैं कि मोस्ट जनरल जो थ्योरम है थोरेटिकल मकैनिक्स में वो हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिजिड बॉडीज़ पहला है चार्जलेस थ्योरम और दूसरा है मेरे पास आइलर थ्योरम। तो जो चार्जलेस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि द मोस्ट जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ ए प्योर ट्रांसलेशन फोलोड बाई रोटेशन अबाउट सम फिक्स पॉइंट इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं द मोस्ट जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज डेट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन लिख लेते हैं मोस्ट जनरल मोशन ऑफ ऑफ बॉडी ट्रांसलेशन रोटेशन तो इसका प्रूफ देखते हैं हम ए पॉइंट्स ले लेते हैं ए बी और सी और इसको हमने ट्रांसलेट करवाया ए को ए डैश पर बी को बी डबल डैश पर सी को सी डबल डैश पर और जो बी डबल डैश है और जो मेरे पास पॉइंट बी है वो रोटेट हुआ है बी से बी डैश पर सी से सी डैश पर तो ये हमने पॉइंट फिक्स कर लिया है इसमें रोटेशन नहीं हुई है सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है ए में और बी और सी में ट्रांसलेशन भी हुई है और रोटेशन भी हुई है कहता है कि कंसीडर द जनरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए रिजिड बॉडी इन विच द बॉडी इज नॉट कॉन्सट्रेंट टू टर्न अबाउट ए फिक्स पॉइंट कहता है कि हम एक जनरल डिस्प्लेसमेंट रिजिड बॉडी का जो होता है इज नॉट कॉन्सट्रेट टू टर्न अबाउट ए फिक्स पॉइंट कि वो फिक्स पॉइंट के अलोंग जो है वो टर्न नहीं करता तो ट्रांसलेशन के दौरान ठीक है ना कि वो ट्रांसलेशन के दौरान वो रोटेट नहीं करता लेट ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट जो कि अपनी इनिशियल पोजीशन पर है एंड ए डैश बी डैश सी डैश बी देर फाइनल पोजीशन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है हमारा ट्रांसलेशन हुई है तो उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की है वी नो डैट दिस डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन टू स्टेप्स तो ये जो डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है वो कह रहा है वो दो तरीके से तय हुआ है ट्रांसलेशन हुई है हमारी ए टू ए डैश पर बी टू तो बी डबल डैश पर सी टू तो सू सी डबल डैश पर तो हमने ये पता है कि ट्रांसलेशन में जो भी डिस्प्लेसमेंट तय होता है उनकी मैग्नीट्यूड वो वापस में इक्वल होती है ए से ए डैश बी से बी डबल डैश सी से सी डबल डैश है वो आपस में इक्वल है।, है तो पहला तो हमने ये ट्रांसलेशन के लिए देखा है और इसके अलावा जो पॉइंट हमने फ़िक्स किया था उसको जब हम देखेंगे फिक्स पॉइंट ए डैश एंड रोटेशन टेक प्लेस अबाउट दिस फिक्स पॉइंट ए डैश मेरे पास जो B डबल डैश गोज़ टू B डैश या सिंपल B जो था उसकी जो रोटेशन हुई है वो B डैश तक हुई है वो जो C डबल डैश है गोज़ टू C डैश या C जो है वो रोटेट हुआ है C डैश पर A इज़ द बेस पॉइंट जो A है वो फिक्स पॉइंट है इट इज़ क्लियर डैट वी वुड हैव चूजन एनी अदर पॉइंट ऑन द बेस कहता है कि अगर हम इसके अलावा कोई और भी बेस पॉइंट चूज़ कर लेते फर्ज करो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता कि मेरे पास जो है बी में सिर्फ ट्रांसलेशन हुई है रोटेशन नहीं हुई ए में रोटेशन हुई है तो फिर भी हमने जो बाकी दो पॉइंट्स थे उसमें रोटेशन शो हो जानी थी तो इसका कहने का थ्योरम का कहने का मतलब यही है कि द ट्रांसलेशन मोशन इज़ नॉट अफेक्टेड बट द रोटेशन इज़ अफेक्टेड रोटेशन अफेक्ट हो जाएगी लेकिन ट्रांसलेशन अफेक्ट नहीं होगी देखो ना अगर मैं ए को रोटेट करवाता हूँ बी को रोटेट नहीं करवाता तो इसका मतलब है बी में रोटेशन नहीं हुई है बी की रोटेशन इफेक्ट हुई है ए की रोटेशन ए लेकिन बी की ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं हुई ट्रांसलेशन सामने ही हो जानी है लेकिन रोटेशन करवाने के लिए हमें कोई पॉइंट फिक्स करना पड़ता है हमने पीछे वो बात की थी कि अगर मैं ये वाला पॉइंट फिक्स करता हूँ तो रोटेशन इस पॉइंट के लौंग होगी अगर मैं ये वाला पॉइंट फिक्स करता हूँ तो रोटेशन इस पॉइंट के लौंग होगी तो यही इस बात में कहना जा रहा है कि द मोस्ट जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज डैट ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ट्रांसलेशन इफेक्ट नहीं होगी लेकिन रोटेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है ठीक है के वो पॉइंट चेंज करने से उनकी रोटेशन जो है वो अफेक्ट हो सकती है